सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक पर चर्चा करूंगा। इसमें चाणक्य कह रहे हैं, प्रलय भिन्न मर्यादा भवंती कील सागरः। सागरा भेदमच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। उनका यह कहना है कि जो सागर होते हैं वे काफी धीर गंभीर होते हैं और मर्यादित होते हैं, लेकिन वे भी प्रलय के समय अपनी मर्यादा से भिन्न व्यवहार करते हैं, यानी अपनी मर्यादा को लांघ जाते हैं, तोड़ देते हैं। परंतु जो साधुजन हैं, यानी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है प्रथम विभक्ति में साधवः, तो जितने भी साधु लोग होते हैं वे प्रलय के समय भी वे इतने धीर गंभीर होते हैं कि मर्यादा को नहीं लांघते, मर्यादा को नहीं तोड़ते। चाहे कितने भी स्थिति खराब हो जाए, महाप्रलय आ जाए, उनका जीवन समाप्त हो जाए, उनका वंश समाप्त हो जाए, पृथ्वी समाप्त हो जाए, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, परंतु उनका इरादा, उनकी सज्जनता, उनकी साधुता खत्म नहीं होती है। वे अपने रास्ते से टस से मस्त नहीं होते हैं, प्रलय की स्थिति में भी, महाप्रलय की स्थिति में भी, यानी दुनिया की कोई भी परिस्थिति, पूरे ब्रह्मांड की कोई परिस्थिति उनकी मर्यादा को भंग नहीं कर सकती। इतना जबरदस्त उनकी संकल्प शक्ति होती है। इसलिए सागर तो वैसे गंभीर है, महान है, रत्नों का भंडार है, लेकिन साधु उससे भी महान है, क्योंकि वे मर्यादा में बराबर रहते हैं और महाप्रलय भी उनके मर्यादा को नष्ट नहीं कर सकता। यही चाणक्य यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं। हरिओम।